इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि यूपी सरकार ने कहा था कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पहचान कर उनसे मुआवजा लिया जाएगा। इसी के तहत लखनऊ में ये बड़ी कार्रवाई की गई और पोस्टर्स गली चौराहों पर लगाए गए। तो हाई कोर्ट ने नाराजगी दिखाते हुए पूछ लिया कि किस नियम से ये पोस्टर लगाए गए। आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। लखनऊ हिंसा को लेकर शहर में लगाए गए पोस्टर्स को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए कमिश्नर और डीएम को तलब किया। इस मामले में हाई कोर्ट ने इतवार के दिन यानी रविवार के दिन सुनवाई की। आज इसकी सुनवाई हुई है। हालांकि कोर्ट ने यह फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लेकिन बड़ा सवाल किया है यूपी सरकार से, यूपी पुलिस से, कि किस नियम के तहत तस्वीरें लगाई गई। बता दें कि लखनऊ में 19 दिसंबर को हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद लखनऊ प्रशासन ने चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए थे। पोस्टर में कुल 57 चेहरे दर्ज हैं। इन सभी पर लखनऊ में हिंसा करने या फिर उसे भड़काने का आरोप है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इस मामले में सुओ मोटो लिया था। मामले में अब प्रियंका गांधी भी कूद गई हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी के बीजेपी सरकार का रवैया ऐसा है कि सरकार के मुखिया और नक्शे कदम पर चलने वाले अधिकारी खुद को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान से ऊपर समझने लगे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को बताया है कि आप संविधान से ऊपर नहीं हो सकते हैं, आपकी जवाबदेही तय है। तो ये अभी जो ट्वीट्स है वो प्रियंका गांधी का है। हरगल के बहुत से ट्वीट्स आपको रात भर और भी सुनने को मिलेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है, जो बड़ी कार्रवाई की गई थी, ये पोस्टर्स लगाए गए थे, ये कहाँ तक सही है, इनकी पहचान सार्वजनिक करना कहाँ तक सही है। हाई कोर्ट ने जो है इस पर नाराजगी जताई है। हालांकि फैसले को अभी सुरक्षित रखा गया है। हम बता दें आपको कि लखनऊ में दिसंबर में नागरिकता कानून को लेकर इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन हुए थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों द्वारा कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने इनकी पहचान करने का दावा किया था। बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जाफर जैसे लोग भी शामिल थे। जाफर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो कुछ पत्थरबाजों का फेसबुक लाइव करते हुए पुलिस वालों से उनके ऊपर एक्शन लेने की बात कर रही थी। सदफ जाफर को जब थाना ले जाया गया तब एक्टर दीपक कबीर उनसे मिलने गए थे, तो उनको भी उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। तो किसी और इंफॉर्मेटिव न्यूज के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। जय हिंद। हम बता दें आपको कि लखनऊ में दिसंबर में नागरिकता कानून को लेकर इसके खिलाफ काफी प्रदर्शन